दोस्तों, इंडिया का जो मीडिया है वो दिन ब दिन अपने आप को असर्ट कर रहा है, और इंडियंस जो हैं उन्होंने वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके बहुत सारी जगहों पर जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी जान नहीं है। कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है बांग्लादेश के अंदर। जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। एक चीज की वजह से चीजें बहुत खराब हो रही है, और इस चीज को आप लेके आगे बढ़ना के इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपके अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मजहब के हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए, वो भी साथ शरीक थे। नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनस को बयान उन्होंने भेज दिया। आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही। इंडिया के अंदर ये बड़ा मजबूत इम्प्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है दैट शेख हसीना वाजिद वाज एबल इनफ टू प्रोटेक्ट द बांग्लादेश माइनॉरिटीज। सो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो, जो कर गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अमेरिका यूके समेत सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है, और यह चेतावनी इतनी बड़ी है कि जिसे सुनकर वेस्टर्न वर्ल्ड के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती, फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है बांग्लादेश के अंदर। जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ दो कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इसराइल की टोटल आबादी कितनी है, हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है, फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन अब यह तो आप लोग जानते ही हो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत आई हुई हैं और फिलहाल के लिए वह भारत की शरणार्थी बनी हुई हैं। अब जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तो तब से ही बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं पर अटैक किए जा रहे हैं और हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदुओं की जान जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं के साथ बहुत ही ज्यादा अनैतिक और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं के साथ इतना सब कुछ गलत होने के बावजूद भी ह्यूमन राइट की बात करने वाले किसी भी देश ने, किसी भी संस्था ने और किसी भी मीडिया ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। और इसी सब दोगलेपन को देखते हुए भारतीय मीडिया की तरफ से वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रियां और ह्यूमन राइट की बात करने वाली उन वेस्टर्न संस्थाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर एक संदेश भेजा गया है, जिसमें भारतीय मीडिया की तरफ से उन सब से यह पूछा गया है कि क्या अब बांग्लादेश में ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि क्या अब आपके हिसाब से बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर रहे। भारतीय मीडिया की तरफ से वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रियों को कहा गया है कि हम ये जानते हैं कि इस दोगलेपन का केवल और केवल यही कारण है कि अब की बार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और अब की बार अगर आप बोलते हो तो आपको भारत पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी को ह्यूमन राइट से कोई भी मतलब नहीं है, आप सभी वहीं पर बोलते हो जहां पर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भारत पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। भारतीय मीडिया के इस पावरफुल अप्रत्यक्ष संदेश की दुनिया भर के कई देशों में तारीफ हो रही है, और पाकिस्तान जैसे देशों के नागरिकों का भी यहाँ पर कहना है कि भारत आज के समय इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है कि वह वेस्टर्न मीडिया को भी फटकार लगा देता है और वेस्टर्न मीडिया को आंखें दिखाकर उनसे सवाल करता है। दोस्तों, इंडिया का जो मीडिया है वो दिन ब दिन अपने आप को असर्ट कर रहा है, और इंडियंस जो हैं उन्होंने वेस्टर्न जो पावर्स हैं
उनके बहुत सारी जगहों पर जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी जान नहीं है। अभी देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस हेडलाइन को चेंज किया और उन्होंने कहा हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट, सो उन्होंने वर्ड रिवेंज रिमूव कर दिया। सो इसकी दो कॉनोटेशन हो सकती हैं, एक तो यह है कि इंडियन मीडिया ने इतना क्लोजली फॉलो किया और इतना शोर डाला कि देखें हिंदुओं के साथ वहां पे क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है जैसे शेख हसीना वाजद जो है वो निकली है। सो पहली बात तो ये है कि इट मींस कि इंडिया के अंदर ये बड़ा मजबूत इम्प्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है दैट शेख हसीना वाजद वॉज एबल इनफ टू प्रोटेक्ट द बांग्लादेश माइनॉरिटीज। सो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उनका बड़ा किरदार था, ये इंडियंस बिलीव करते हैं। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर निकली हैं उन पर टारगेट किया गया, और उन्होंने सारे के सारे इशू को इतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया है और इतना स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है और इतना स्ट्रांगली एडवोकेट किया है इंडियन मीडिया ने, पर्टिकुलरली जो जिसे आप कहते हैं कि जो राइट विंग मीडिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप जो है वो ये जिसे कहते हैं ना कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट करें। तो उन्होंने इस चीज को जब हाईलाइट किया तो बाद में उस सारे प्रोसेस को उन्होंने मार्केट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि देखो क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो, सो हम अंडर अटैक हैं। सो बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि नाम चेंज करने वाली बात थी कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे रोड्स थे, बहुत सारे मेस थे, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस थे जो बेसिकली वेस्टर्न जो उस वक्त जब ग्रेट ब्रिटेन कॉलोनियल पावर हुआ करता था तो उस वक्त उन्होंने वो रखे थे। तो आज वो क्या है, आज उन्होंने सब चेंज करके इंडियन नेम्स रखने शुरू कर दिए बिकॉज दे वांट दे आर बिलीविंग कि वी हैव टू रिपीट, हमें वो जो हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई गई है उससे हमें बाहर निकलना, वी कांट लिव द वे वी आर। लेकिन पाकिस्तान अभी सारे प्रोसेस में नहीं है, पाकिस्तान ये समझता है कि हमें जैसे तैसे वेस्ट के साथ जो भी है अपने आप को अलाइन रखना है। सो बहुत सारे लोग जिसे वो कहते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान की एकेडमिया के अंदर ये एक है कि हमें जो है वो कैसे अपने आप को डी वेस्टर्नाइज करना है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आया है, हमें 1945 का लिटरेचर नहीं पढ़ाना, हमें कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पढ़ाना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ या हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो जारी बात है इसके लिए बहुत सारे आपको रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, इसके लिए नेशनलिज्म चाहिए, इसके लिए वो विल चाहिए, इसके लिए वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच चाहिए। सो एंड देन ये चीज़ें तभी जाके बेहतर हो सकती हैं। अब जारी बात है इंडिया के जो है वो बांग्लादेश